हाई एवरी वन वेलकम टू द चैनल छः महीने बाकी हैं आई एम गोइंग टू टेल यू सिक्स सिंपल स्टेप्स टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इफ यू फॉलो दीज सिक्स स्टेप्स यू विल डेफिनेटली क्लियर दी एग्जामिनेशन एंड यू विल लर्न इंटू नेशनल यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट ना ओवर थिंकिंग दे आर हैविंग अ मिड लाइफ क्राइसिस इन द मंथ ऑफ जून वेदर दे आर गोइंग टू मेक इट और नॉट उनसे हो भी पाएगा कि नहीं क्या उन्होंने यह डिसीजन क्लैट देने का सही लिया है या नहीं और हाउ टू तो इम्प्रूव द मार्क्स मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे मैं जी के नहीं पढ़ पा रहा मैं न्यूज़पेपर नहीं कवर कर पा रही ऑल ऑफ दीज डाउट्स स्टार्ट टू अपेयर इन द मंथ ऑफ जून बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द मंथ ऑफ जून अब आपके पास छः महीने बाकी हैं और आपके पास सिंपल टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा लेकिन सिंपल आपको छः स्टेप ज़रूर फॉलो करने चाहिए जिस पर स्टेप नंबर वन गेट रेड ऑफ सेल्फ डाउट एज यू नो दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट ओनली ऑफ योर अबिलिटीज ओनली ऑफ योर रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल बिना प्रैक्टिस के बिना ट्रेनिंग के डेवलप नहीं होती और सबसे बोरिंग काम है अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना अपने कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाना सबसे बोरिंग काम है इट विल टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बट इफ़ यू विल डू इट कंसिस्टेंटली देन डेफिनेटली ये इम्प्रूव होगा लिटिल बाय लिटिल इम्प्रूव होगा बहुत बड़ा लीप नहीं आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा हर दिन चेंज होगा तो आपको इस डाउट से हट जाना चाहिए कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए बने हैं नहीं बने हैं आपका बोर्ड्स में कितना भी नंबर आया हो टेंथ में आप कैसे भी स्टूडेंट रहे हो ड मैटर यू स्टिल कैन क्लियर क्लाट स्टेप टू क्विट procrastination. आपको सिंपली किसी भी चीज़ को टाइम बार्ड तरीके से करना है Everything has हैज़ टू बी डन विद इन लिमिटेड टाइम बिकॉज आफ्टर ऑल इस एग्जामिनेशन की डिमांड तो यही है कि आपको 120 ट्वेंटी मिनट्स के अंदर ही सब कुछ करना है तो आपको आपके जो डेली टास्क हैं वीकली टास्क हैं मंथली टास्क हैं या आपको पता है कि कोई चीज़ है जो आपको नहीं पता है एंड यू हैड टू सर्च इट ऑन गूगल ना तो उसको डालिए मत डो नॉट राइट स्टडी रूटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो फिक्स होना चाहिए हमारा और एटलीस्ट हमारा फाइव आवर्स का स्टडी रूटीन एवरी डे सेल्फ़ स्टडी में जाना चाहिए आपको अपने पढ़ाई के रजिम को पाँच घंटे सेल्फ स्टडी के छः दिन दैट इज थर्टी आवर्स पर वीक का मिनिमम देना ही पड़ेगा मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे तीन स्लॉट हमने आपको बताए हैं ट्राई टू फॉलो योर स्टडी रेजिम इन दीज थ्री स्लॉट्स फर्स्ट स्लॉट वन में न्यूज़पेपर को सिंसियरली कवर करिए your day should start with reading newspaper news by news line by line news by news line by line and sit with a copy and a pen and google at hand because if there is any location if there is any country if there if there is any name of a particular leader if there is a name of a capital and you don't know the location you will have to immediately search it right there right then if there are certain vocabulary words difficult words that you are not able to catch यू विल हैव टू सर्च इट राइट देयर राइट देन सो इसीलिए न्यूज पेपर को आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना है न्यूज बाई न्यूज लाइन बाई लाइन प्लीज डोंट ट्राई टू मग इट अप रिमेंबर जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट सिंसियरली दैट न्यूज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है स्लॉट टू कंप्लीट योर टू डू लिस्ट ऑफ अ मेजर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट टू पॉइंट फाइव आवर्स इन टू दैट सो देयर कुड बी अ मेजर सब्जेक्ट फॉर द डे देयर कुड बी अ माइनर सब्जेक्ट फॉर द डे नो मेजर सब्जेक्ट इज दैट सब्जेक्ट विच ब्रिंग्स यू ह्यूज रिजल्ट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है उसका टाइम में और जिसमें ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करते हैं एंड दैट इज करंट अफेयर्स लीगल एप्टीट्यूड करंट अफेयर्स एंड लीगल एप्टीट्यूड कैन बी कंसिडर टू बी ए मेजर सब्जेक्ट्स स्लॉट थ्री में आप एक माइनर सब्जेक्ट को करिए जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग हो जाता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो जाता है टोटल दीज ऑल सेक्शंस विल फेच यू close to 60 62 marks and the major subjects would again fetch you 60 marks so that is how you need to invest because gk has to be done daily legal has to be done daily and you are studying 6 days in a week so what you can do is you can keep 6 days for gk and 6 days uh, 3 days for gk and 3 days for legal Th 3 days for gk and 3 days for legal if you will calculate that will close to somewhere around 7.5 hours Per week, and that is more than enough. Step three, please focus on revision. Most of the students know this aspect that revision is important, and they are forgetting what they have studied 15 days back, but they are largely ignorant because revision is a very boring thing, it's a tedious task. We have to go through the trauma that we had faced while understanding a concept, right? But then that is the only way because the number of times you will revise, your brain will start thinking. About it and start questioning about it. So, you have to just close your eyes. You have to look into the topic, close your eyes, and try to remember all the facts that you can. And that is how active revision is done. So, revision can be also done in two ways passive revision and active revision. Passive revision is that you are only trying to read what you have written down in the notes copy, active revision is that you will try to think about that particular topic before even reading that topic in your notes copy. कि मैंने क्या क्या लिखा था मुझे उसका फिफ्टी परसेंट इन्फॉर्मेशन भी अगर याद आ गया तो रेस्ट मुझे फिफ्टी परसेंट इन्फॉर्मेशन रिविजन के टाइम पर जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे याद हो जाएगा एंड दैट इज हाउ एक्टिव रिविजन इज डन राइट सॉल्विंग एमसीक्यूज इज ऑल्सो अ गुड वे टू रिवाइज बट इट इज बेसिकली नॉट अ नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन इट इज अ स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन एंड वी डू रिविजन फॉर नॉलेज सब्जेक्ट्स वी डू रिविजन फॉर वॉकबिलरी वी डू रिविजन फॉर लीगल कॉन्सेप्ट वी डू रिविजन फॉर क्वान्ट फॉर्मूला Formally, we do revision for GK, and that is where you know solving MCQs is not a good way, and it is not the only way. Remember, you need to have your own notes copy. Most of the students falter on this, they don't have their own notes with respect to subjects like legal aptitude, or quantitative ability, or GK. You need to have your own notes copy, you need to have practiced and written down stuff in your own handwriting, okay, that you will use for revision. So, please focus on revision. As much as you are focusing on learning new concepts. That's a very vital step. Step four, don't invest your leisure time into wasteful things. Now, when I say wasteful things, what do I mean? I mean that, see, having a hobby, you like to play cricket, that's good. You like to do dance, that's good. You like to learn music, that's good. But right now, all such hobby is not going to help you in your CLAD preparation. This examination is not that uh, difficult where you are. स्ट्रेस्ड फॉर नाइन्टी परसेंट ऑफ योर टाइम ओके सो दिस एग्जामिनेशन इज नॉट स्ट्रेसफुल येस इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट फाइव टू सिक्स आवर्स एवरी डे ऑन योर सेल्फ प्रिपरेशन यू विल भी सेल्फ कॉम्प्लेसेंट एंड यू विल भी वेरी डिटर्मेंट दैट तुमसे एग्जाम हो पाएगा सो इसीलिए अपनी कोई भी अतिरिक्त हॉबी जो है उसको अगले छह महीने के लिए प्लीज टाल दो स्टॉल इट फॉर अनादर सिक्स मंथस रादर इन्वेस्ट यूर लेजर टाइम इन वॉचिंग क्वालिटी इंटरव्यूज Now, quality interviews, you are not watching to understand the topic or know about the topic, but you're observing the communication skills. You're observing the words that they're using, right? Vocabulary has to be enhanced. Vocabulary has to be enhanced. Watch documentaries on real incidents and events that has affected geopolitics. And that could be uh, international relations. So there are certain rival groups from Sudan who are talking to BBC, watch that interview. There are certain leaders of Palestine who are talking about the cause of Palestine. Listen to that. देन देर आर मल्टीपल यूट्यूब स्पीचेज वेर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कंट्रीज आके कुछ बोल रही हैं वॉज दैट इट विल गिव यू अस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स एज वेल एज विल इन्हांस योर वॉकबिलिटी

ऑन अ डे टू डे बेसिस अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे बिकॉज कल भी आप वहीं थे और आज भी आप यहीं हैं बट एटलीस्ट फिफ्टीन डेज में अपनी प्रोग्रेस को चेक कराइए एंड प्रोग्रेस को चेक करने का एक तरीका ये रहता है कि हम अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन में uh, कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट पढ़ा पा रहे हैं या एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है फॉर सपोज इफ़ आई हैड अटैम्प्टेड द टेस्ट इन द फर्स्ट वीक एंड आई हेड अटैम्प्टेड टेन क्वेश्चन एंड आई स्कोर्ड एट मार्क्स देन इन द सब्सिक्वेंट टेस्ट आई 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 शुड स्कोर एट लीस्ट नाइन एंड मार्क बाय मार्क आपको अपना प्रोग्रेस जो है वो बढ़ाना रहता है सो क्लाट मिनी टेस्ट आर वन वे टू एडजस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन बिकॉज थर्टी मिनट्स में थर्टी क्वेश्चन होते हैं मिक्स बैक होता है उसमें लीगल भी होगा जी भी होगा उसमें सी भी होगा आर भी होगा तो आपकी स्किल सेट जो है वो समझ में आ जाती है बिकॉज थर्टी मिनट्स में आप थर्टी क्वेश्चन कर रहे हैं दैट दैट इज़ क्लोज टू वन फोर्थ ऑफ योर टाइम एंड वन फोर्थ ऑफ योर पेपर एंड दैट विल हेल्प बेसिकली दीज टेस्ट हेल्प यू टू एनालाइज एंड गेज स्किल सेट्स राइट right? एक मार्क्स का भी अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है सब्सिक्वेंट टेस्ट में तो वो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा देर आर नो लीप्स ऑफ फेथ कोई सडनली चेंज चीजें चेंज नहीं होंगी बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे, पे नहीं बदलेंगी लेकिन आप डेली कंसिस्टेंटली जिद्दी स्टेप्स लेते जा रहे हो उस एग्जामिनेशन के लिए एंड दैट इज हाउ वी विल चेक यू ऑन एवरी फिफ्टीन डेज इन एवरी फिफ्टीन डेज सो दिस आर द गुड वेज टू प्रिपेयर एंड यू नो कीप अ टैब ऑन योर प्रिपरेशन आई हैव हाईलाइटेड इन मल्टीपल वीडियोज वट आर द सोर्सेज वट आर द डूज इन द डोंट्स But in this particular video, I wanted to very focus, be very focused on the five simple steps that you need to take. And the sixth step that I'm going to tell you is very, very important. Because most of the times you'll feel like giving up. Sometimes you will be charged up, sometimes will, your battery would be very, very low. You might what now not want to continue in this preparation. So that is where you need to stay in constant touch with your mentor. Now, mentor means that somebody who is really able and really capable and really, you know.

So, a good mentor will always find the time and the way to push your limits. Because it is the role of the mentor to tell the child that everything can change in the next six months. And mock analysis your real life shits home. It is your mindset which is going to play a role. Right? And always remember that life is all about the bigger picture. Life is all about the bigger picture, not about these two things, short things that are happening right now. कोई पास अवे हो गया होना था यू हैव टू हैव डेवलप अ माइंड सेट वेयर बाय इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स यू आर एबल टू कीप योर काम कंपोजर इंटैक्ट एंड यू आर एबल टू फोकस सो दीज आर द बेसिक सिक्स स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स रिमेंबर दैट यू नीड टू हैव अ शेड्यूल योर शेड्यूल फॉर द डे मस्ट बी वेरी वेरी रिजिड यू हैव टू फॉलो इट इन अ डिसिप्लिन मैनर यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन बाय स्किपिंग number 1 your newspapers and number 2 your mock analysis and at the end of the road it is your notes copy which is going to stick with you at the end of the road 7 days before exam you you might not be able to revise any number of pdfs or any number of hard materials printed materials all that you will have is your handwritten notes copy and revise it consistently and sincerely that's all this was harshvardhan tripathi on legs prep telling you what are the six simple steps to clear clat in next 6 months if you want to know more tell me in the comment section let's get connected and uh, let me help you in your journey for this examination all the very best